तो सुबह के बजे हैं 5:30 और बीरू का चल रहा है साफ सफाई का काम, यानी कि जो गाड़ी की सीट में पाला पड़ा हुआ था ना वो पोछ रहा है। भाई थोड़ा बगीरा का भी पोछ देना यार। तुम्हारा भी पोछ देना। साथी क्या हो? कहना क्या चाह रहा है भाई? तो फिलहाल अभी हमने गाड़ियाँ यहाँ पे लगा दी है ताकि बाद में जाते वक्त आसानी हो, और इससे पहले हमने गाड़ियाँ लगभग ना यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे लगाया था, और यहाँ पर से मंदिर परिसर थोड़ा सा ही आगे है, और बाद में जब भीड़ बढ़ जाएगी ना तो फिर वहाँ से गाड़ी निकालनी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो आज के चीफ गेस्ट CM साहब हैं, तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ होने वाली है, तो इसी वजह से पहले ही गाड़ी हमने बाहर निकाल ली है ताकि बाद में जाते वक्त दिक्कत ना हो। बाकी भाई साहब आज हेलमेट का प्रयोग तो इतना अच्छा कर रखा है ना, मतलब ठंडे से बचने के लिए बढ़िया ही हो रहा है। दिलवा ने तो उतार दिया, उतारा यार, ठीक ही तो हो रहा था, ये पहचान हो रही थी हम तीनों की। अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सुबह सुबह ही देख सकते हो अभी 6:00 बजे हैं और भीड़ भक्तों की इस कदर बढ़ रही है भाई साहब ना, मतलब दिन रहते ही यहाँ ना हमें मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिलने वाली है आज। तो ये देखिए सुबह सुबह ही माँ बाराही के मंदिर प्रांगण में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो समय बीतते रहेगा और ये भीड़ जो है बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे एक शिला है जिसको सभी भक्तगण मतलब बारी बारी से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद इसमें भी कुछ बात होती होगी, मतलब जो अच्छे से ऊपर को उठा के अपने कंधे में रख लेंगे ना तो उनकी शायद कोई ना कोई मनोकामना मतलब पूर्ण हो जाती होगी। ये बात बहुत बढ़िया। तो फाइनली भाई ने उठा ही लिया यार। ज्याय च नमोहृदज्याय च नवेक्याय च नमः काढ्याय च गह्वरेष्ठाय च नमः शुक्याय च हरित्याय च नमः पाकुसभ्याय च रजस्याय च नवलोप्याय चोलप्याय च नमः पूर्व्याय च सूर्व्याय च नमः सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये हमारा आज का ब्लॉग होने वाला है इसमें थोड़ा बहुत जो है वॉइस ओवर आप लोगों को सुनने को मिलेगा, क्योंकि जब ये मैंने ब्लॉग बनाया था ना ये सिर्फ मैंने शूट किया हुआ था, और जब मैं एडिट करने के लिए बैठा तो कहीं ना कहीं मुझे ये सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि हम लोग देवीधुरा गए थे जहाँ पे बग्वाल खेली जाती है, तो थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ के बारे में आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा है कि हम लोग हैं माँ बाराही के मंदिर प्रांगण में, जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट के देवीधुरा नामक स्थान पर स्थित है। तो सबसे पहले तो माँ बाराही के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। माँ बाराही यानी कि विष्णु भगवान का वाराह अवतार, पौराणिक कथाओं के आधार पर पता चलता है कि जब पृथ्वी को हिरणाक्ष और अधर्मराज नामक राक्षस चुरा के पाताल लोक लेके जाते हैं तब पृथ्वी को बचाने का काम विष्णु भगवान का वराह अवतार करते हैं, जिन्हें हम माँ बाराही के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बग्वाल की। बग्वाल को कुमाऊं क्षेत्र में इससे पहले लगभग 20 स्थानों में खेला जाता था, मगर अब एकमात्र देवीधुरा के माँ बाराही के प्रांगण में ही खेला जाता है। बग्वाल यानी कि पाषाण युद्ध, यानी कि ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि पत्थर की लड़ाई का अभ्यास।
तो चलिए अब बग्वाल की बात आई गई है तो ये भी जान लेते हैं कि बग्वाल किनके मध्य और कब खेला जाता है। तो बग्वाल प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन और चार खामों के बीच गढ़वाल खाम, चमियाल खाम, वालिक खाम और लमगड़िया खाम, इन चारों खामों के मध्य खेला जाता है। तो अब इसी क्रम में एक सवाल अब ये भी उठता है कि बग्वाल आखिर क्यों खेला जाता है। तो लोक कथा के आधार पर और यहाँ के काफ़ी लोगों से पता करने पर एक बात पता चलती है कि गढ़वाल खाम, चमियाल खाम, वालिक खाम और लमगड़िया खाम के लोग जो है बारी बारी से यहाँ पे नरबलि देते थे। मगर कहते हैं कि एक बार चमियाल खाम की वृद्धा के इकलौते पौत्र की बलि देने की बारी आई तो वृद्धा को जो है अपने वंश के नाश होने का आभास हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने माँ बाराही की घोर तपस्या की, फलस्वरूप तब से नरबलि नहीं दी जाती है। मगर नरबलि के बदले एक व्यक्ति के बराबर खून जो है जब बग्वाल खेला जाता है उस समय इस मैदान में बहना चाहिए, तो तब से ये बग्वाल खेला जाता है। अब चार खामों में क्रमशः देखें तो गढ़वाल खाम का प्रतीक है लाल रंग, लमगड़िया खाम का प्रतीक है पीला रंग, वालिक खाम का प्रतीक है सफ़ेद रंग और चमियाल खाम का प्रतीक है गुलाबी रंग। और साथ ही बग्वाल खेलने की अनुमति जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं वो अपने शंखनाद के द्वारा देते हैं। और लगभग 15 से 20 मिनट तक बग्वाल खेलने के पश्चात जो मुख्य पुजारी होते हैं वही शंखनाद के माध्यम से इस युद्ध को यानी कि इस पाषाण युद्ध को विराम देते हैं और इस युद्ध का समापन सभी यानी कि चारों खामों के लोग आपस में गले मिलकर इस युद्ध का समापन कर लेते हैं। तो यही कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास थी जो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए ज्ञान वाली बात तो हो गई है, अब आप लोग पूरी तरीके से इन्जॉय कीजिए बग्वाल मेले को।
देखो